बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू एजी इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मैथमेटिक्स ग्रेड टू यूनिट नंबर टू एंड यूनिट टू इज अबाउट नंबर ऑपरेशंस टुडे आवर टॉपिक इज टेबल ऑफ टेन तो आज हम टेन का टेबल सीखेंगे पिछले लेक्चर्स में हम टू थ्री फोर फाइव का टेबल सीख चुके हैं अब हम टेन का टेबल सीखते हैं तो पहले बच्चों टेन का टेबल सीखने का मतलब यही है जो आपने काउंटिंग इंटेंस पढ़ा था ये सेम उसी से रिलेटेड है भाई ये देखो क्या है बेसिकली ये टेन ऑब्जेक्ट बन गए ना पहले आपके पास टू थ्री फोर फाइव थे अब ये टेन ऑब्जेक्ट बन गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन का टेबल बहुत आसान है काउंटिंग टेंस की सूरत में अगर आपको याद होगा तो काउंटिंग इन टेन में टेन के बाद क्या आता था ट्वेंटी फिर थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी एटी नाइनटी एंड वन हंड्रेड ये चीज याद है ना आपको अब इसी को रिपीटेड एडिशन में देख लेते हैं एक बंडल में कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं दस ऑब्जेक्ट आ रहे हैं यानी टेन ऑब्जेक्ट तो टू में कितने होंगे टेन प्लस टेन मीन ट्वेंटी ये लिखा हुआ है इधर कितने बंडल्स हैं इधर मतलब है तो इसका टेन मतलब प्लस टेन प्लस टेन एडिशन हो रही है ना इधर फोर हो गए तो इसका मतलब है यानी चार दफा इनको ऐड कर दिया बात समझ आ रही है इसी तरीके से जब फाइव होगा तो इसको फाइव दफा लिख दोगे आंसर क्या आएगा फिफ्टी सिक्स टाइम सिक्सटी सेवन टाइम सेवनटी बात समझ आ रही है इसी तरीके से अब इधर एट बंडल्स हैं तो इसको टेन को एट टाइम रिपीट कर दो नाइन बंडल्स हैं तो टेन को नाइन टाइम रिपीट कर दो टेन बंडल हैं तो इसको टेन टाइम रिपीट यानी टेन प्लस टेन प्लस टेन इस तरीके से आप इसको दस दफा रिपीट कर देंगे अब इसको मल्टीप्लीकेशन टेबल के पॉइंट ऑफ़ व्यू से देखो, तो कितनी दफा है? एक दफा इसलिए one time 10 कहा। फोर टाइम्स टेन इज इक्वल टू फोर्टी बात समझ आ रही है फाइव टाइम्स टेन फिफ्टी सिक्स टाइम्स टेन सिक्सटी सेवन टाइम्स टेन सेवेंटी एट टाइम्स टेन एटी नाइन टाइम्स टेन हंड्रेड आपने एक चीज ऑब्जर्व की है जो हमें ऐड करने से आंसर मिल रहे थे वो ही हमें मल्टीप्लीकेशन टेबल से मिल रहे हैं तो काम कितना आसान है भाई अगर ये दस ऑब्जेक्ट हैं तो इनको दस दफा ऐड करना हो इस तरीके से एक एक करके ऐड करते जाओ करते जाओ आसान काम है या फिर यह मल्टीप्लिकेशन टेबल की मदद से करना आसान है तो ऑब्वियसली मल्टीपिकेशन टेबल से करना बहुत आसान है भी मैं ये लिख देता हूं अगर आपके सामने तो ये अगर इसको ऐड करना है तो मतलब पहले टेन में टेन ऐड करो फिर टेन ऐड करो फिर टेन ऐड करो, करो जैसा कि हमने ये वाले आंसर निकाले हैं तो यह क्या बनता है आंसर ये टेन में टेन ऐड किया ट्वेंटी ट्वेंटी में टेन ऐड किया थर्टी थर्टी में टेन ऐड किया तो आंसर फोर्टी तो इसी को आप मल्टीप्लिकेशन टेबल की मदद मतलब से बात आसानी बता सकते थे ये कितनी दफा आ रहा है चार दफा मीन फोर टाइम्स टेन फोर टाइम्स टेन मैथमेटिकली लिखना चाहो तो फोर टाइम्स टेन ऐसे लिख लो या इसको आप यूं भी लिख सकते थे तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आना था फोर्टी क्योंकि हमने याद किया हुआ है फोर टाइम्स टेन क्या होता है इक्वल्स फोर्टी बात क्लियर है तो प्यारे बच्चों ये था टेबल ऑफ टेन आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे हाफिज़